तुम कौन हो? ओ हेलो मैडम, आप कौन हैं? देखो ये कैब ना मैंने बुक की है, तो तुम कौन हो तुम बताओ? एक्सक्यूज मी, ये कैब मैंने बुक करी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या सुबह सुबह? जब मैं कह रही हूँ कि ये कैब मैंने बुक की है तो मतलब मैंने बुक की है। ओ मैडम, आपका दिमाग ठीक है ना? सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, ये गाड़ी मैंने बुक करी है। शायद आपने चेक नहीं किया, आपने दूसरी कैब बुक करी होगी। देखो मुझसे ना बहस मत करो, वो भी सुबह सुबह, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा तुम्हारी वजह से। और इस कैब की बुकिंग ना, इसका प्रूफ भी है मेरे पास, दिखाऊं अभी? मेरे पास भी बुकिंग का प्रूफ है, ये देखिए। सेम कैब की बुकिंग तो मेरी भी है, सेम नंबर है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैम, सर आप शांत हो जाइए, आप दोनों ने ये शेयरिंग कैब बुक करी है। और आप चिंता मत करिए, मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा, आप प्लीज लड़िए मत। हाँ सही कहा आपने भाई साहब, ये हम लोगों ने शेयरिंग बुक करी है। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, देखा भी नहीं और शेयरिंग कैब बुक कर दी। अब इस खड़ूस के साथ जाना पड़ेगा मुझे पूरे रास्ते। अरे यार ये ऑफिस के चक्कर में ना जल्दी जल्दी में मैंने शेयरिंग बुक कर ली। चलो भैया मुझे ऑफिस छोड़ दो, मुझे देर हो रहा है। ओ ऑफिस छोड़ दो, मैं पागल बैठी हूँ यहाँ पर? पहले मैं बैठी थी इस कैब में, पहले मैं पहुंचूंगी अपनी लोकेशन पर, तो पहले भैया मुझे छोड़ेंगे। भैया जल्दी से गैलेरिया मार्केट ले चलो, वरना मेरी सेल बंद हो जाएगी 2 घंटे बाद, तो मैं लेट हो जाऊंगी। देखिए मैडम मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पहले जाने दीजिए ऑफिस। भैया आप ऑफिस लेके चलिए, मुझे छोड़िए। ओ भैया ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले गैलेरिया मार्केट छोड़ो, मेरी सेल बंद हो जाएगी। और भैया ऑफिस आपका है, मेरा नहीं है, जो मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। आपको पहले देखना चाहिए था शेयरिंग कैब करने से पहले, इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है, मैं तो अपने टाइम से ही पहुंचूंगी अपनी मार्केट। अरे मैम आप ठहरिए, आपकी जो मार्केट है वो सर के ऑफिस से थोड़ा पहले ही पड़ेगी, तो मैं पहले आपको ड्रॉप कर दूंगा फिर सर को ऑफिस पे उतार दूंगा। सर बस 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे प्लीज सर। हाँ भैया ये सही है, आप ना मुझे पहले छोड़ दो। अरे यार कहाँ फंस गया मैं, सुबह सुबह इस मनहूस औरत का चेहरा देख के मुझे जाना पड़ रहा है ऑफिस। हॉट एंड सेक्सी सी लड़की होती मेरा दिन बन जाता, दिन की शुरुआत इतनी गंदी हुई है, पता नहीं कैसा दिन जाएगा मेरा। चलिए भैया। हेलो, क्या ठीक है? ठीक है मैं करता। क्या हुआ भैया? मैम सर वो आप दूसरी कैब कर सकते हैं, मुझे है ना घर पे थोड़ा इमरजेंसी में काम आ गया है, मुझे घर जाना होगा। अरे नहीं नहीं भैया मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और आज है ना सेल का लास्ट दिन है, मैं आज मिस नहीं कर सकती, और थोड़ा ही तो दूर रह गया। एक काम करो पहले मेरे को उतार ही दो फिर चले जाना आपको जहाँ जाना है। मैम प्लीज समझिए मैम, मैम मुझे घर जाके पहले पैसों का जुगाड़ करना है, वो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, पैसों का जुगाड़ करके मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, आप प्लीज कोई दूसरी कैब कर लीजिए ना प्लीज। अरे भैया जुगाड़ अपने आप ही हो जाता है, वो करने की जरूरत नहीं होती, और वैसे भी 2 मिनट का ही तो रास्ता रह गया, आप मेरे को ड्रॉप कर दो फिर चले जाना। चलिए भैया छोड़ दीजिए। मैडम आपका स्टॉप आ गया। कितने हो गए भैया? मैडम आपके हो गए 139 रुपए। एक मिनट मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। QR कोड? ये UPI लगा हुआ है, इस पे कर दीजिए। ठीक है भैया। हो गया भैया। अच्छा भैया एक बात और, आपकी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है ना, तो ये कुछ पैसे हैं, ये मेरी तरफ से आप रख लो। वो मैंने कहा था ना आपको कि जुगाड़ कहीं ना कहीं से हो ही जाता है, और देखो आपका जुगाड़ हो गया। मुझे पता है मुझे वहीं उतर जाना चाहिए था और आपको जाने देना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बस इसलिए मैंने आपको कहा कि ड्रॉप कर दो, बाकी आप अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवाना। ये तो विदेशी नोट लग रहा है, यहाँ चलेगा भी या नहीं बाद में देखूंगा।
चलिए सर, 5 मिनट आगे आपको ऑफिस है, मैं आपको भी छोड़ देता हूँ। ठीक है भैया, चलो। ये लड़की कितनी अच्छी है। मेरे बगल में जब ये बैठी थी तो हम दोनों सीट के लिए लड़ रहे थे। मुझे नहीं पता था कि दिल से इतनी अच्छी होगी। चलो थोड़ा मैं भी कर देता हूँ इसकी मदद। भैया रोक दीजिएगा यहीं पे। सर आपके हो गए 180 रुपये। अच्छा मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ। हो गया भैया। सर आप ये बता सकते हैं कि ये जो नोट हैं ये विदेशी लग रहे हैं, कि ये कहाँ चलेंगे? अरे ये तो अमेरिकन डॉलर लग रहा है। भारतीय बाजार में इसकी कीमत 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये? सर मुझे वे पैसे कैसे मिल सकते हैं? वो तो आपको बैंक जाकर इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा 10,000 रुपये। सोच क्या रहे हो भैया, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना, क्योंकि आपकी माँ हॉस्पिटल में है। एक काम करो, ये पैसे आप मुझे दे दो, इसके बदले में मैं आपको 10,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ हाँ सर, ये तो बहुत मेहरबानी होगी। सच में मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि इन पैसों को लेके मैं बैंक में जाऊँ। आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा सर। अरे कोई बात नहीं। मैंने आपके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया। शुक्रिया तो उस मैडम का करिए। वो वैसी थोड़ी नकचड़ी थी पर वो दिल की बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक बार में ही आपकी इतनी बड़ी मदद कर दी। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दुनिया में आप दोनों जैसे लोग हों तो दुनिया का नक्शा ही पलट जाए। उन मैडम ने मेरा आज खर्चा होने से बहुत ज़्यादा बचा लिया मेरी मदद करके, पैसे देकर, और आपने आज मेरा वक्त बचा लिया, वरना मैं कहाँ बैंक में धक्के खाता। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे उन मैडम की उम्र बहुत लंबी हो, मैं तो बस यही दुआ करूँगा। मैं तो ये दुआ करूँगा कि आपकी मम्मी की तबीयत बहुत जल्द सही हो जाए। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। हेलो गाइस, तो कैसी लगी मेरी छोटी सी कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दो प्यारे प्यारे, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।